आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रियंका लेकर आ गई हूँ सुबह सुबह आप सभी लोगों का भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन से स्टार से जुड़ी खबरें सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। भाई पवन सिंह, खेसारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रितेश, कल्लू, इनमें से कौन से स्टार है आगे, किसकी खबर बनी हुई है जोरों शोरों से इंडस्ट्री में, इस तरह की तमाम खबरें और जानकारियां आप सभी लोगों के बीच लेकर हाजिर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं आज की भोजपुरी इंडस्ट्री की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी फिल्मों से समय निकालकर अपने भोजपुरिया दर्शकों के लिए हमेशा एक से एक बढ़कर लोकगीत लेकर आते रहते हैं। तभी तो खेसारी लाल यादव के गाने का इंतजार भोजपुरिया दर्शकों को भी रहता है और गाने को काफी दर्शक पसंद भी करते हैं। इसी कड़ी में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का नया लोकगीत एल्बम प्रेमिका मिल गई का पहला गाना ठीक है का ऑडियो सॉन्ग जारी कर दिया गया है। प्रेमिका मिल गई एल्बम का गाना जी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया, जिसे अभी तक 16 लाख लोगों ने सुन लिया है। हालांकि जब इस गाने का वीडियो सॉन्ग आएगा तो इसमें खेसारी के साथ काजल राघवानी देखने को मिलेंगी, लेकिन लोगों का तो यही कहना है कि अक्षरा के मिलने के बाद ही पवन ने ये गाना गाया है। तो अगर आपको खेसारी के लारी वाले स्टेज को याद है तो देखा होगा आपने कि अक्षरा खेसारी से ये शिकायत करती नजर आई थी कि जब भी खेसारी इमोशनल गाने गाते हैं तो लोग उस गाने से अक्षरा का नाम जोड़ देते हैं कि आप वो गाना मेरे लिए गाते हैं। अक्षरा ने खेसारी से ये सवाल पूछा था जिस पर खेसारी ने कोई जवाब तो नहीं दिया था सिवाय मुस्कुराने के, लेकिन अक्षरा को खेसारी के गाने से लगता है जोड़ना पसंद नहीं है। बल गाना खेसारी ने किसी के लिए भी गाया हो लेकिन लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए इस गाने के व्यूज बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों के दो सुपरस्टारों में कई बार आपसी टकराव की खबरें आती रहती हैं और दोनों के टकराव के मंजर का इंतजार सभी को रहता है। खासकर दोनों के फैंस को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है कि आखिरकार कौन आगे निकल रहा है और किस माध्यम से निकल रहा है। उदाहरण के तौर पर खेसारी के फैंस हमेशा यही चाहेंगे कि खेसारी गायकी में आगे रहें, तो वहीं पवन के फैंस भी यही चाहेंगे कि पवन हर चीज में आगे रहें। इसलिए कई बार ना चाहते हुए भी दोनों का टकराव एक बड़ी दिलचस्पी का केंद्र बन जाता है। दरअसल हाल ही में पवन सिंह और खेसारी लाल के गाने एक ही दिन रिलीज किए गए। पवन का गाना सेज के एज भइल बा और खेसारी लाल का गाना प्रेमिका मिल गइल, दोनों गाने को एक ही दिन रिलीज किया गया और रिलीज होते ही दोनों गानों को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया और अपना अपना फेवरेट स्टार और सिंगर का चयन करते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी। लेकिन दोनों के इस कॉम्पिटिशन में पवन सिंह ने एक बार फिर से गायकी में बाजी मार ली है और पवन का गाना व्यूज के मामले में खेसारी के गाने प्रेमिका मिल गई से आगे निकल चुका है। जी हाँ, जहाँ पवन के गाने को एक ही दिन में 3 मिलियन यानी 30 लाख से ज्यादा लोगों ने सुन लिया है, तो वहीं खेसारी लाल के गाने को एक दिन में 1.6 मिलियन यानी 16 लाख लोगों ने सुना। ऐसे में पवन के फैंस काफी खुश हैं और उनका कहना है कि पवन ने शुरुआत कर दी है खेसारी को एक बार फिर से टकराव देने की और अब वो लगातार अपने गाने रिलीज करते रहेंगे। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि आगे दोनों के टकराव का मंजर और क्या क्या रंग दिखाता है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का सोशल मीडिया पर सालों पुराना स्टेज शो का वीडियो वायरल हुआ, जो उस स्टेज शो में हमेशा की तरह खेसारी लाल यादव गाना गाते और डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन खेसारी का स्टेज शो इसमें कुछ खास था और शायद इसी वजह से उनका ये स्टेज शो सालों बाद आज भी वायरल हो रहा है। जी हाँ, दरअसल में खेसारी लाल यादव के इस स्टेज शो में उनका एक ऐसा फैन मिला जो कि खेसारी को दिल से प्यार करता है और उनके गाने को सुनता है, और इसी वजह से जब खेसारी स्टेज पर गाना गा रहे थे तो तभी एक फैन स्टेज के करीब आता है और उन्हें खुश होकर के पैसे देता है। फैंस का यहाँ ये पसंदीदा सितारों के प्रति प्यार जताने का एक तरीका था और खेसारी लाल यादव को 20 रुपये का नोट थमाता है। खेसारी लाल यादव फैंस का प्यार देखकर चुटकी लेते हैं और थोड़ा मजाक भी करते हैं, लेकिन उसके बाद वे फैंस से कहते हैं ये 20 रुपये का नोट उनके लिए 20 लाख के बराबर है और ये किसी तोहफे से कम नहीं, और फैंस का यही प्यार भी तो है जिसकी वजह से वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इसके बाद फैंस की पैसे देने के लिए लाइन लग जाती है और बेशक 20 रुपये वाला बड़ी रकम नहीं होता, लेकिन फैंस का प्यार को किसी भी कीमत से नहीं आंका जा सकता, वो बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती होता है। इस तरह से खेसारी लाल यादव अपने फैंस का दिल जीतने में कामयाब रहते हैं।
ठीक है, यूं तो एक सामान्य शब्द है और उसका बोलचाल की भाषा में काफी इस्तेमाल होता है, लेकिन पिछले दिनों इंटरनेट पर इस ठीक है के चलते एक वीडियो जम के वायरल हुआ। जी हाँ, आप सभी को बिल्कुल याद आ गया होगा, एक ऐसी प्रेमिका जोड़ा का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बिहारी लड़की अपने प्रेमी के साथ भागने और उनके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराती हुई नजर आई। इस लड़की का हर बात में ठीक है बोलते हुए देखा जा रहा था और बिहारी लड़की का ये अंदाज सोशल मीडिया पर जम के वायरल हुआ। इसी अंदाज में भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी एक अपने नए गाने को रिलीज किया। जी हाँ, खेसारी लाल यादव का नया गाना एक दिन पहले रिलीज हुआ है। रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर इस अंदाज को जम के पसंद किया जा रहा है। यूट्यूब पर रिलीज हुए इस गाने को खेसारी लाल यादव ने वीडियो में लड़की द्वारा बोली गई बातों को ही लिया है। जहाँ खेसारी लाल यादव ने गाते हुए सुनाई दे रहे हैं, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग बिताएंगे। ठीक है, आप भी सुने इस मजेदार गाने को और जरूर आप लोगों ने सुना ही भी होगा। जहाँ कुछ दिन पहले ही वायरल हुए इस वीडियो में लड़की एक लड़के के साथ नजर आई है और वीडियो में वह अपनी भाषा में बात कर रही है और अपना घर छोड़ करके लड़के के पास आ गई है और वीडियो में लड़की कहती नजर आती है, हम दोनों एक साथ भागे हैं, ठीक है, और इसका कोई गलती नहीं है, ठीक है, ये मेरी गलती है। और बार बार वो इस ठीक है शब्द का इस्तेमाल कर रही थी जो कि अब एक कॉमेडी के तौर पर सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रहा है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव लगातार अपनी फिल्मों और गानों की और स्टेज शो की वजह से बिजी चल रहे हैं और देखा जाए तो लगभग हर ऐसा दिन होता है जब खेसारी लाल यादव का स्टेज शो होता है। जी हाँ, ऐसे में खेसारी लाल यादव ने अभी फिर से एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को जारी करते हुए खेसारी लाल यादव ने अपने नए स्टेज शो की जानकारी नहीं बल्कि दर्शकों से अपील की है कि वो उस स्टेज शो को देखने जरूर आए। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 27 अक्टूबर को यानी कि परसों खेसारी लाल यादव का हाजीपुर वैशाली के मनियारपुर में स्टेज शो होने वाला है। जिस स्टेज शो का आयोजन देश के शहीदों के नाम किया गया है और उनके परिवार वालों के नाम का है और उसी वजह से खेसारी लाल यादव ने लोगों से अपील की है कि एक शाम शहीद जवानों के नाम होने चाहिए ताकि हम सब मिलकर शहीद जवानों के परिवार वालों की मदद कर सकें। जी हाँ, और देखा जाए तो एक अच्छी सोच के साथ खेसारी लाल यादव ने लोगों से अपील की है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ आज सुबह हुआ था, जिस खबर के अनुसार कहा जा रहा था कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी के वो सिंगर बन गए हैं जिनका गाना यूट्यूब पर सबसे ज्यादा और दुनिया में छठे नंबर पर सुना जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। और आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि इस सर्वे को लेकर एक अभी फिर से नया खुलासा हुआ है जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव के गाने छठे नंबर पर नहीं बल्कि 61 नंबर पर हैं, तो वहीं उनसे पहले भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह का नाम लिस्ट में 91 नंबर पर शामिल है। और इस रेस में जहां पहले सिर्फ खेसारी लाल यादव का नाम था तो वहीं अब उस लिस्ट में खेसारी लाल यादव के साथ साथ पवन सिंह का भी नाम जुड़ चुका है और इंडस्ट्री के दोनों भाइयों ने मिलकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और वैसे भी देखा जाए तो सोशल मीडिया पर जब भी खेसारी लाल यादव या फिर पवन सिंह का गाना रिलीज होता है तो दर्शकों की तरफ से उन्हें इतना प्यार मिलता है कि वो गाना व्यूज के मामले में घंटों भर में लाखों के आंकड़े को पार कर देता है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह ने आज एक बार फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में कीर्तिमान रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जी हाँ, आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आज से करीबन 9 दिन में पहले खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह का गाना धोखा देती है जो कि बलम जी लव यू का गाना है वो यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था। उस गाने ने मात्र 9 घंटे के अंदर 10 लाख के व्यूज़ को पार कर दिया था, तो वहीं आज इस गाने ने मात्र 9 दिन के अंदर ही करोड़ों के व्यूज को पार कर दिया है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह के इस गाने ने 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन का आंकड़ा पार कर दिया है और इसका इंतजार दर्शक काफी समय से कर रहे थे कि खेसारी अक्षरा के फैन कि काश उनका ये गाना कोई नया रिकॉर्ड कायम करे और ऐसा हो गया है। वेल, देखा जाए तो अब आखिर आगे ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आगे चलकर ये गाना और कौन कौन से नए रिकॉर्ड बनाकर पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ता है। ये थी भोजपुरी
इंडस्ट्री की वो तमाम खबर जानकारी जो कि आपके स्टार और उनकी फिल्मों के साथ जुड़ी थी, और सुबह सुबह आप सभी लोगों तक भाई पूरी खबर पूरी जानकारी के साथ पहुंचाने के लिए हम टॉप न्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। अब कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, और आपके साथ साथ अगर जो किसी और के पास भी समय है कम तो फटाफट देखिए हमारा ये प्रोग्राम। लेकिन बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजप्रिया के साथ जुड़े रहिए। लेकिन और साथ में ही ऐसे ही हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।